हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में क्वान को उसके डैड के जूतों में ब्लड लगा हुआ दिखता है, जो देखकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर ये लोग उस सस्पिशियस लेडी नामथिप के बारे में इंक्वायरी करते हुए उसके घर तक पहुंच चुके थे, जहां उसके स्टेप मदर से बात करने पर वो इन्हें बताती है कि उसकी तो 10 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। फिर इनके पूछने पर कहती हैं कि उसकी बॉस जो एक लेडी थी वो मरने के बाद उसके बॉडी का एसेस हमें लाकर दी थी, ये कहते हुए कि वो बीमार थी जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। उसने मुझे 5 लाख रुपए कंपनसेशन मनी भी दिया था। राज फिर उस लेडी बॉस का नाम पूछता है, जो कि मिसेस वॉडी ही थी। अब ये लोग काफ़ी हैरान थे कि वॉडी ने उसके फैमिली को उसकी बॉडी देने की बजाय एसेस क्यों दिए। इसके बाद ये लोग पुलिस का हेल्प लेते हुए उन्हें नादा को ढूंढने को कहते हैं। ऑफिसर इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो अपने लेवल से बेस्ट ट्राई करेंगे। वेल, पेज को अब उसके वर्क प्लेस पर ये गुंडे आकर पैसे के लिए परेशान करने लगे थे। मीनवाइल मिसेज वॉडी उन्हें देखकर पेज की हेल्प के लिए सामने आती हैं और उसके इंटरेस्ट का पैसा यही भर देती हैं। पेच हैरान था कि आखिर उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की। लेकिन इन जैसी सेल्फिश लेडी किसी की जेन्यून हेल्प करें ये पॉसिबल तो नहीं है ना। सो आज भी ये अपना स्वार्थ ही देख रही थी। पेच को अपने छांसे में ले ली थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इनके काम आ सके। इधर काओ क्वान के क्लिनिक उससे मिलने के लिए आई थी, जहाँ जब दिन आता है तो उसे उस जैसे गुड लुकिंग बंदे को अपने सामने में देखकर काओ अजीब तरीके से उसे लुक देने लग जाती है। फिर पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्वान कहता है, क्या स्टूपिड बातें कर रही हो, हम फ्रेंड्स हैं। इस पर काओ कहती है, अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ? उसकी ऐसी फ्लर्टिंग बातें सुनकर दिन कन्फर्म हो जाता है कि ये नादा तो हो ही नहीं सकती है। इसके बाद वो डायरेक्ट आकर रात से पूछता है और इस बार रात भी उसे सारा कुछ सही सही बता देता है कि हाँ, जो दूसरी वाली लड़की थी वो नादा थी और जो अभी है वो रियल काव है। दिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लाइक तुम सब कुछ जानते हुए भी इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रहे थे। मैं इतना तो श्योर हूँ कि अभी अभी जिस लड़की से मिलकर आ रहा हूँ वो नादा नहीं थी, तो अब तुम मुझे बताओ कि नादा कहाँ है। रात कहता है वो गायब हो गई है। दिन को अगेन से उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे कि क्या, कब, कैसे, बट रात के पास उसके एक भी क्वेश्चन का सही सही आंसर नहीं था। कहता है सडनली काओ वापस आ गई और तब से नादा मिसिंग है। मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर गई तो गई कहाँ और उसने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। बात चाहे जो भी हो बट इन दोनों को ही नादा की उतनी ही ज़्यादा फिक्र थी। देन इनका डायरेक्ट सारा का सारा डाउट डॉक्टर गोसन और मिसेस वॉडी पर ही जाता है। रात दिन को वार्न करता है कि अभी वो नादा के बारे में उसकी मॉम को कुछ भी नहीं बताए, फालतू कहीं उन्हें टेंशन हो जाएगा। और दिन का रिप्लाई था कि क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा स्टूपिड समझते हो। इसके बाद दिन क्वान से पूछता है कि तुम्हें काफ़ी टाइम पहले ही पता लग गया था ना कि काओ ही नादा है, तो फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई। क्वान कहती है, अगर तुम प्रॉमिस करो कि मेरे डैड को हार्म नहीं करोगे देन मैं तुमसे सारा कुछ सही सही बता दूंगी। दिन कहता है, और तुम भी इस बारे में अपने डैड से कुछ भी डिस्कस नहीं करोगी। इसके बाद क्वान अपने पास के रखे उस एविडेंस को जो प्रूफ कर रहा था कि कैसे नादा की सर्जरी कर उसे काओ का ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया था
तो उसे अपनी पूरी मंडली को दिखाती है और अपने डैड के साइड से सबसे माफ़ी भी मांगती है। सब नादा बचाओ मिशन पर डिस्कशन करने लग जाते हैं। क्वान इन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने डैड के जूतों पर ब्लड मार्क देखा था, जो सुनकर ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वेल, आगे मिसेस फौदी पेज को उसके डैड के पास से इनके लोन एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को चुराने बोलती हैं। पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर ये उसे पैसों की लालच देने लग जाती हैं और लालच में आकर पेज उनका काम करने के लिए एट लास्ट मान जाता है। वहाँ से सीधे घर आता है। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, तो फिर आराम से उन पेपर्स को निकालता है और फिर एज इट इज सारी चीज़ों को वापस रख कर वहाँ से चला जाता है। देन उन पेपर्स को मिसेस वॉडी के हवाले कर देता है। इनका समझो तो एक बहुत ही बड़ा सा काम हो गया था। बदले में ये पेज को 30 लाख का चेक देकर मज़े से इंजॉय करने को कहती हैं, क्योंकि इनकी खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर रात कहता है डॉक्टर जॉन वो बहुत दिनों से मिसिंग है। उनका DNA डॉक्टर गोसन के जूतों पर लगे ब्लड के साथ मैच कर रहा है। सबका कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद डॉक्टर जॉन वो मर चुके हैं। क्वान कहती है तो क्या मेरे डैड ने उन्हें मारा है? वो बहुत परेशान लग रही थी और किसी के पास उसका आंसर भी नहीं था। क्वान एक साइड पर आकर बहुत रोने लग जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। दिन पीछे से उसे काम करने की कोशिश करता है, कहता है अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि डॉक्टर जॉन सच में मर ही चुके हैं या फिर जिंदा है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो। बेसिकली दिन को उसे इतना सैड देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं काओ रात के साथ पहले की तरह ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोच रही थी, पर रात वो एक्सक्यूज बना देता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इसे अब नादा से प्यार जो हो गया था तो फिर इसके साथ कैसे रह सकता था। दिन क्या होकर करती है कि वो मिडनाइट में ही रेडी सेडी होकर बाहर जाने लग जाती है, और इस बार तो रात भी उसे नहीं रोकता है। काओ वहाँ से डायरेक्ट पेज के पास आती है। रात उसे फॉलो कर रहा था, पर उन दोनों को इस तरह से इतना क्लोज देखकर इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्वान अपने डैड के कार में चुपके से GPS ट्रैकर लगा देती है और उन्हें इसका कुछ पता भी नहीं लग पाता है। सो फिर रात अब उनके लोकेशन को फॉलो करता हुआ उन तक पहुंच रहा था। बेचारी नादा को ये लोग टॉक्सिक्स मेडिसिंस का ओवरडोज लगा कर उसकी हालत ख़राब कर दी रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर था कि डॉक्टर गोसन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो इनसे पूछते भी हैं कि तुम कब तक इस तरह से इसे लॉक करके रखने वाली हो। इस पर ये कहती हैं जब तक कि काओ की रात से शादी नहीं हो जाती है और मुझे दहेज के पैसे नहीं मिल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं होप सो ऐसा ही हो, नहीं तो कहीं तुम इसे भी डॉक्टर जॉन की तरह ही ठिकाने मत लगा देना। लेकिन इनका ये डेंजरस लुक ये तो कुछ और ही बयां कर रहा था। इधर रात और डैड भी लोकेशन को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पर यहाँ आकर देखते हैं कि हर तरफ बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड्स का लाइन लगा हुआ था, जिससे ये इतना तो श्योर जाते हैं कि नादा यहीं पर कहीं ना कहीं रखी हुई है। रात काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। डैड उसे समझाते हैं कि हमें दिमाग से काम लेना होगा। हमारी फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि कैसे भी कर नादा को यहाँ से सेफली बाहर निकालें, तो इसके लिए अच्छी प्लानिंग करनी होगी। एंड काफ़ी सोच विचार के बाद इनके माइंड में एक औसम सा प्लान आता है, जो उनका ध्यान भटका कर पूरी तरह से अपने तरफ कर सकता था, और वो थी इनकी शादी। दिन रात नादा की सेफ्टी के बारे में सोचकर काओ के पास आता है एंड डायरेक्ट उससे यही कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। काओ थोड़ी सरप्राइज थी, कहती है क्या तुम श्योर हो? रात कहता है हाँ बिल्कुल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों बॉयज एक और बार अपनी सियोरिटी के लिए सबसे बचते बचाते नादा को देखने के लिए आते हैं एंड थोड़ा गनीमत करने पर उसे देख भी पाते हैं।
जहाँ नादा काफ़ी ज़्यादा बीमार सी लग रही थी। एंड उसे यूँ इस तरह से देखकर इन दोनों को ही उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। रात का गुस्सा तो कंट्रोल से बाहर होता दिख रहा था, जिसे दिन नोटिस भी करता है। फिर दिन क्वान से कहता है कि आज जिस तरह से मैंने रात को नादा के लिए फिक्रमंद होते हुए देखा, आई गेस उसे नादा से रियल का प्यार हो गया है। पहले मुझे लगता था कि नादा का फेस उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है, इसीलिए वो उसे पसंद करता है, पर शायद मैं गलत था, वो नादा से ही प्यार करता है। क्वान कहती है प्यार प्यार होता है, पता नहीं कब कैसे किससे और किसको हो जाए। इधर रात और काओ की शादी की प्लानिंग चल रही थी, डेट फिक्स होता है जो बस एक ही दिन के बाद का था। एंड ये सुनकर पैसे की भूखी इस महिला का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। अब क्योंकि फाइनली काओ की शादी होने वाली थी, तो मिसेस वादी को नादा से छुटकारा चाहिए था। खुद को फंसाने के लिए वो अपने पीछे में कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। सो नादा के बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करने का सोचती हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर गोसन बीच में आ जाते हैं। कहते हैं ऑलरेडी हमने बहुत सारा गलत काम कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम एक और मर्डर करो। मिसेस वादी तो उनका बात मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, पर डॉक्टर गोसन वो अपने बात पर काफ़ी सीरियस थे। वेल, इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि जब सभी लोगों का ध्यान शादी पर होगा, तब दूसरे साइड दिन पुलिस के साथ जाकर नादा को सेफली वहाँ से बाहर निकाल लेगा। एज पर प्लानिंग सब साथ वर्क करने लग जाते हैं। रात की वेडिंग की सारी तैयारी हो गई थी और दहेज के पूरे 500 मिलियन अपने सामने यूं इस तरह से रखा देखकर इनका लुक देखो आप। वहीं दिन भी पुलिस के साथ अपने प्लान पर वर्क करने लग गया था। पहले तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, देन इनकी फाइटिंग होने लग जाती है। इधर रात बेचारा वो तो ऑलमोस्ट फंस ही चुका था। काफ़ी टाइम तक ये लोग इधर उधर की बातें कर शादी को डिले करते रहते हैं, जितना हो सकता था उतना टालते रहते हैं, पर कब तक टाल पाते हैं। तभी इन मोमेंट पर इस बार उनकी हेल्प करते हुए मिस्टर थन वहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ते हैं और मिसेस वादी से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने अपने फ़ायदे के लिए मेरे बेटे को यूज क्यों किया, तुमने उसे उसके खुद के घर से लोन एग्रीमेंट को चुराने क्यों बोला। यहाँ पर अच्छा खासा सीन क्रिएट हो जाता है, जिससे एटलीस्ट रात की शादी वो थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी। दूसरे साइड दिन नादा तक पहुँच चुका था, उसे ऑलमोस्ट बचा ही लिया होता है कि तभी उसे बचाते हुए दिन को गोली लग जाती है। पर फिर भी एनी हाउ इसे नादा को वहाँ से सेफली बाहर निकालना था। इधर रात के घर पुलिस आती है, जो डॉक्टर गोसन और मिसेस वादी को नादा का अनलॉफुल और इल्लीगल तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करने पर उन्हें चार्ज कर रही थी। इनका तो होश ही उड़ जाता है, लाइक अचानक से ये सब क्या हो गया। वेल, नादा की कंडीशन भी काफ़ी क्रिटिकल लग रही थी, जिसके लिए हमारे दोनों हीरोज बहुत परेशान लग रहे थे। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि वो सेफ है, लेकिन फिर भी हमें उसे अंडर केयर रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आगे की स्टोरी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।